हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जनरल एंड यू आर वाचिंग जनरल यूनिक व्लॉग। ओके सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ मोटो होम की ये कैंपर वैन। तो ये कैंपर वैन है ना, एक्चुअली आप रेंट कर सकते हो। ये अंदर से एकदम लग्जरियस कैंपर वैन की तरह, जो सेलिब्रिटीज़ की वैनिटी वैन होती है उसकी तरह ये अंदर से लग्जरियस है। अंदर से आपको इसका पूरा टूर देता हूँ अभी मैं, और आपको इसकी सारी डिटेल्स देता हूँ। आप इसे कैसे रेंट कर सकते हो, इसकी रेंट प्राइस कितनी है, आप कहाँ पर ले जा सकते हो इसको, सभी डिटेल्स देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। सो गाइस, कीप वॉचिंग द फुल वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द व्लॉग। ओके सो आप ये अंदर का लुक देख सकते हो। यहाँ पर आपको ड्राइवर की सीट देखने मिल जाती है, जो कि इसके साथ आपको एक स्पेशलाइज्ड ड्राइवर भी मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैन तो हम खुद नहीं चला सकते। सो गाइज, आप ये देख सकते हो इसका कुछ अंदर से लुक है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लग्जरियस लग रही है, और ये पूरी वाइट कलर में बनाई गई है। और इसके ऊपर यहाँ पर जो ब्राउन कलर में शेड्स दिए गए ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक डिनर के लिए एक टेबल देखने मिल जाता है, जो कि आप डिनर लंच जो कि यहाँ पर बैठकर खा सकते हो। और फिर आप ये तरफ देख सकते हो, यहाँ पर आपको टच स्क्रीन बटन्स देखने मिल जाते हैं, और फिर नीचे की तरफ पावर सॉकेट्स, और यहाँ पर ये एक एसी के लिए बटन दिया गया है। और फिर इस ये आप देख सकते हो, ये जो इसमें साउंड सिस्टम दिया गया है ना, उसके लिए यहाँ पर करोके दिया गया है। ये तरफ आपको एक विंडोज देखने मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो हम। और फिर ये तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, यहाँ पर एक स्मार्ट टीवी देखने मिल जाता है, और ऊपर की तरफ एसी के आउटलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको विंडोज़ देखने मिल जाती है, और उसके बाजू में यहाँ पर टच स्क्रीन बटन्स और पावर सॉकेट्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर भी विंडोज़ है, उसके नीचे यहाँ पर एसी का रिमोट है, और फिर थोड़ी बहुत कुछ सामान रखने के लिए स्पेस है। और फिर ये जो सारे सोफ़ा है ना, यहाँ पर हम दिन में बैठ भी सकते हैं, और रात को यहाँ पर आप सो भी सकते हो इसको बेड में कन्वर्ट करके। मैं आपको बेड में कन्वर्ट करके आगे दिखाता हूँ वीडियो में। और फिर ये तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर भी सोफा दिया गया है, जो कि आप दिन में बैठने का और रात को यहाँ पर सो सकते हो बेड में कन्वर्ट करके। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यह तरफ आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर आप सामान वामान लेकर आ रहे हो ये वैन में, तो यहाँ पर रख सकते हो। और फिर ये तरफ आपको एक एसी देखने मिल जाता है, और यहाँ पर भी एसी के वेंट्स। और फिर ये तरफ देख सकते हो, यहाँ पर आपको किचन की फैसिलिटी देखने मिल जाती है, जो कि आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी है अंदर। और फिर यहाँ पर दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, ऊपर तो गेस्ट स्टोव है, नीचे आपको है ना माइक्रोवेव भी दिया गया है, तो इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कप वप जो भी काम में लगेंगे किचन में, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पर साइड में आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखने मिलता है, छोटा सा डस्टबिन भी है। ये तरफ आपको वॉश बेसिन भी देखने मिलता है, ये सारे बर्तन भी अगर आपको काम में लगेंगे तो वो है यहाँ पर। पावर सॉकेट्स है, ये एडजस्ट फैन भी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी एक स्पीकर दिया गया आपको, और यहाँ पर है ना फ्रिज भी दिया गया, जो कि हमें वो साइड जाकर एक्सेस करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़, यहाँ पर आपको वैन में वॉशरूम भी देखने मिल जाता है, जो कि ये तरफ है, यहाँ से हमें ओपन कर देना है। तो ये अंदर से देख सकते हो, ये वॉशरूम का कुछ लुक है, ये भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें देखने मिल जाती है, शॉवर से लेके गीज़र से लेके वॉशरूम, जो कि ये वो पूरा हाईटेक लग्जरियस जैसा लगता है अंदर से। यहाँ पर पानी भी अवेलेबल मिल जाता है गाइज, ये इस क्योंकि इसमें वाटर टैंक भी है। अभी ये देख सकते हो, दोनों भी सोफा को कन्वर्ट कर दिया है बेड में यहाँ पर सोने के लिए। तो यहाँ पर टोटल है ना 6 लोग सो सकते हैं। तो देख ही सकते हो पूरा जो वैन था, वहाँ पर पूरा सोफा कन्वर्ट कर दिया है इन लोग ने, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। मैंने आपको ये वैन का पूरा टूर तो दे ही दिया, और इसके ऊपर है ना रूफ टॉप भी है, जहाँ पर टेंट जैसा लगाया गया है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और सबसे पहले अभी प्राइसिंग की बात कर रहे थे, रेंट कितना है इसका, आप कैसे बुकिंग कर सकते हो। तो इसको बुक करने के लिए है ना, आपको डायरेक्ट मोटो होम जो कि ये मैनेज करती है, आपको उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर देना है। आप स्क्रीन पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया उनका कॉन्टैक्ट। तो इसका पर डे रेंट है ना 15,000 है, तो यहाँ पर आप 15,000 में 6 लोग ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 लोगों की है। और ये 15,000 में GST इंक्लूडेड नहीं है, और फ्यूल भी इंक्लूडेड नहीं है। और एक अच्छी बात है, जो कि इनका महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ टाइप है ना, तो इसके MTDC के रिसॉर्ट्स में आपको इसकी पार्किंग भी देखने मिल जाएगी, और इसके इलेक्ट्रिसिटी भी आप MTDC के रिसॉर्ट्स के थ्रू दे सकते हो इसको। सो गाइस, मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ट्रैवलिंग का ऑप्शन हो सकती है, जो कि अभी इस पैंडेमिक के टाइम में हम ज़्यादा बसेस या ट्रेन को प्रेफर नहीं करते। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, तो ये वैन को आप रेंट
पर ले जा सकते हो वो भी 15,000 में। मेरे हिसाब से ये 15,000 इफेक्टिव है क्योंकि 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो सब में अगर डिवाइड कर देना तो बहुत कम पैसा हो जाता है और इसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और एक फीलिंग अलग ही होती है ये मोटो होम की। और यहाँ पर है ना ज़्यादा बाहर का साउंड आपको देखने भी नहीं मिलता है, और ये है भी एकदम अंदर से पूरी कम्फर्टेबल और लग्जरियस है। ओके सो मैंने आपको इसके इंटीरियर का तो पूरा दिखा दिया, अभी मैं आपको इसके रूफ पर है ना टेंट दिया गया है, आप टेंट पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। मैं आपको ऊपर चलकर दिखाता हूँ अंदर से ये टेंट कैसा दिखता है। सो ये ऊपर से आप टेंट का लुक देख सकते हो। यहाँ पर आप कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क करके यहाँ पर टेंट में बैठ सकते हो, यहाँ पर सो भी सकते हो। तो ये अमेजिंग टेंट दिया गया है आपको ऊपर की तरफ। सो आपने टेंट भी देख लिया, मैंने आपको इसका पूरा टूर भी दे दिया। आपको ये कैंपर वैन कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप भी कहीं जा रहे हो आउट ऑफ स्टेशन जाना है आपको, मुंबई के बाहर कहीं हिल स्टेशन जा रहे हो, आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो, ये वैन बेस्ट हो सकती है आपके लिए और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। और ऐसी वैन्स जो कि आप देखते हो सेलिब्रिटीज के पास रहती है, आप भी ये अपने रेंट पर ले सकते हो और यूज कर सकते हो ये वैन को। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर कर ही देना और कैंपर वैन कैसी लगी मुझे वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। सो बस अभी ये वाला ब्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल द टाइम गुड बाय।